Hello and welcome. I'm Muneeza Jahangir, and you're watching Face Off. Just a few months ago, political pundits had predicted that the game was over for the Chaudhrys of Gujarat. But today, as the winds of change blow over Islamabad, there is talk of their political comeback. While the Pakistan People's Party government finds itself increasingly cornered by an unrelenting judiciary and a hostile establishment, those left out of the government gear up for the possibility of a change in the power corridors by making alliances. What shape will Pakistan's ever changing political scenario take? Let's hear from Chaudhry Shujaat Hussain, leader of the PMLQ himself, and let's just cut across to Islamabad. thank you so much Georgita, for joining us now first just tell us why is it that you are having a merger with the pmlf especially because it has only 5 seats in the national assembly it's not because of uh, the 5 seats but uh, i think that uh, we just would like to have some sort of uh, an understanding between the parties and uh, to show the nation that uh, uh, we we don't want to uh, all these things uh, in a way that that uh, the people think that we have our own personal interest बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि पीर पगाड़ा ग्रुप साहब का पाँच सीटें हैं सिर्फ और आपकी माशाल्लाह से 53 सीट्स हैं नेशनल असेंबली में तो फिर आपने उनको क्यों चुना कि वो लीड करें आप माशाल्लाह से आप प्राइम मिनिस्टर रह चुके नहीं हैं नहीं, नहीं, प्राइम मिनिस्टर रहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता लेकिन एक उनकी एक हैत है उनकी एक पोजिशन है खासतौर के ऊपर सिंध में तो उनका एक और एक रूहानी पेशवा भी हैं और उनकी एक से भी है और हमें ज़रूरत भी थी आज से पहले भी एक दफ़ा उन्हें मेरे वाले साहब ने भी ऑफ़र की थी वो लेके आए थे जब पी एन ए का दौर था जब ये दौर था तो आपके वालिद ने पी पगाड़ा साहब के साथ मिल के जैसे कहते हैं एक अपोजिशन मूवमेंट चलाई थी भुट्टो साहब के ख़िलाफ और फिर बाद में उनका एक बहुत अहम उन्होंने किरदार अदा किया था जनरल ज़ियाउल हक़ की रजीम के अंदर तो अगर उसको देखा जाए तो कई लोगों का कहना है कि कुछ उसी तरह का होने चला जा रहा है अब भी ऐसी कोई बात नहीं है ये तो मौजूदा हालात को सामने रखते हुए कि हमारे अंदर बहुत सा ऐसा एलिमेंट है जो चाहते थे कि मुस्लिम लीग इकट्ठी हों अब हमने असल मुस्लिम लीग तो तीन हैं एक हमारी मुस्लिम लीग है एक नवाज शरीफ की है और एक पीर पीर साहब पगाड़ा की है इसमें हमने यह ज़रूरी समझा कि तीनों मुस्लिम लीग अगर इकट्ठी हो तो बात कोई आगे बढ़ सकती है बॉल हमने नवाज शरीफ की गेंद कोर्ट में फेंक दिया अब उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो ज्वाइन करते हैं कि नहीं करते अच्छा वो ज्वाइन करते हैं कि नहीं करते मगर नवाज शरीफ साहब की तरफ से तो एक बयान आया है कि वो सबको एक्सेप्ट कर पाएंगे मगर आप जो जिसे कहते हैं ना चौधरीज़ को वो नहीं एक्सेप्ट करेंगे उनका ये ख़ास तौर तो पर बयान आया है कि जो चौधरीज हैं उनको डिक्टेटर के साथ ही रहना चाहिए उन्होंने ये कहा था कि हमारी साख्त खराब होती है इसलिए हमने तो डिक्टेटर की बात की थी जहाँ तक साख्त खराब होने की तलक है वो तो साख्त अगर जिसकी हो उसकी ख़राब होती है जिसकी ना हो तो साख तो उनकी रही नहीं साख तो उनकी उस वक्त ख़त्म हो चुकी थी जब उन्होंने बेनजीर को एक्सेप्ट किया था पीपल पार्टी को एक्सेप्ट किया था जो उसको एक्सेप्ट किया था जिसको वो कहते थे, वो कहते थे ये सिक्योरिटी रिस्क है उसको सौ सौ गाड़ियाँ देते थे और उनके साथ उन्होंने जा कर किया तो जहाँ तक डिक्टेटर का तलग है तो डिक्टेटरों के साथ तो वो वो तो पैदावार डिक्टेटर की हैं जाओ की पैदावार हैं जाओलाक को अगर वो डिक्टेटर कहें तो वो भी मुशरों को अगर डिक्टेटर कहते हैं तो उनको क्या कहेंगे नवाज शेफ ने अपने आप को बहुत तरीके से री किया है अब देखें आठ साल से ज्यादा वो मुल्क से बाहर रहे में रहे जहाँ कहीं भी रहे आपके पास एक ओपन फील्ड था पंजाब के अंदर जिसे कहते हैं कि चीफ मिनिस्टर साहब परवेज लाई साहब थे आप तीन माह के लिए प्राइम मिनिस्टर भी रहे आप बड़े किए ना आप, आप, आप यहाँ पे क्या करते थे पी को जिसको किंग्स पार्टी कहा जाता था उस वक्त लोगों का ये कहना है कि उसके बाद भी आपको शिकस्त हुई जनरल इलेक्शन की तो बहुत ज़्यादा वजूहत हैं वो तो अब अगर एक्सप्लेन करना शुरू कर दें तो फिर तो बड़ी देर लगेगी वो तो उस वक्त एक कॉन्सप्रेसी चली थी बेन जी प्राइम मिनिस्टर और प्रेजिडेंट वही है उनकी एक साजिश थी जो उन्होंने की थी और उसमें बाकी भी दुनिया शामिल थी अमेरिकन भी शामिल थे वो भी चाहते थे कि इस तरह का को बने सिस्टम तो 2008 का इलेक्शन आपका कहना कि वो फ्री एंड फेयर नहीं बिल्कुल बिल्कुल सौर, सवाल ही होता उसको हम फेर आप कैसे कह सकते हैं कि फ्री एंड फेयर नहीं था आपके जो काय थे उस वक्त सदर मुशरफ वो उस वक्त उन्होंने रूल संभाला हुआ था आप लोगों की एक तरीके से हुकूमत थी केयर टेकर गवर्नमेंट में आपके दोस्त थे फिर आप कैसे कह सकते हैं कि फिर ये कौन लोग थे जिन्होंने फ्री और फेयर इलेक्शन नहीं कराया नहीं उनकी खुद खुद नीयत अपनी खराब हो चुकी थी ना मुशरफ साहब उनको उन्होंने उन्होंने बेज मोहतरमा के साथ एक एग्रीमेंट कर चुके थे ना वो हमें तो कहते डेड बॉडी लेकिन था नहीं वो ओवर माई डेड बॉडी वाले पास नहीं था इलेक्शन का अभी पोलिंग बंद हुआ था तो साढ़े पाँच बजे मुझे उन्होंने फ़ोन किया था उन्होंने कहा था जी चालीस से पचास तक आपकी सीटें आ रही हैं तो आप इलेक्शन के रिजल्ट को एक्सेप्ट कर लें फिर आपका क्या जवाब था मैंने कहा था वैसे आप एक्सेप्ट कर लेंगे वैसे मेरा पहला भी इरादा एक्सेप्ट करने का ही है ये पाँच बजे साढ़े पाँच छः बजे उन्होंने बता दिया था मगर चौधरी साहब अगर देखा जाए जिस तरह के इवेंट्स हुए बेनजी साहिबा वापस आए नवाज शरीफ साहब वापस आए और फिर मुशरफ़ की एग्जिट हुई तो मुशरफ अल्टीमेटली क्यों चाहेंगे कि उनके जो दुश्मन हैं वो वापस आए वो जीतें और फिर इवेंचुअली उनकी ही हार हो क्यों चाहेंगे मुशरफ साहब इसमें बड़ी चीज़ें इन्वॉल्व थी सऊदी इन्वॉल्व थे इसमें जब ये हुआ था कि बेनज़ीर वापस नहीं आएगी तो उन्होंने कहा कि बेनजीर कभी वापस नहीं आएगी उन्होंने कहा कि अब बेनजीर वापस नहीं आएगी तो नवाज शरीफ भी वापस नहीं आएगा इलेक्शनों तो तक लेकिन बेनज़ीर के आने के बाद नवाज शरीफ को उन्होंने भेजा यहाँ पर और मिश्रत तो नहीं चाहते थे कि नवाज शरीफ वापस आए उनका तो अलायंस जो है बेनज़ीर के साथ हो चुका था कौन नहीं चाहता था कि बेनजीर वापस आए क्या सऊदीज का क्या था? इस तरह नहीं था, तो था, था बेनजीर ने जो मुशरफ के साथ वादा किया था वो तोड़ा वापस आके से पहले। वापस आके से पहले। उसके बाद आपको लगता है कि मुशरफ साहब जो है वो बेनजीर के खिलाफ होना शुरू हुए खिलाफ वो, वो नहीं हुए थे उनका जो मकसद था वो पूरा ना हो सका क्योंकि वो फौत हो गए क्योंकि वो फौत हो गई उनका मकसद उनका मकसद ये था कि प्रेसिडेंट मैं बनूं और बने मगर चौधरी साहब आप पॉलिटिक्स को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं क्या ये मुमकिन था हाँ, था कैसे मुमकिन था बिल्कुल बेनज़ीर एक्सेप्ट कर लेती प्राइम मिनिस्टर बनना मुशरफ जब सदर होता एक्सेप्ट कर लेना था एक्सेप्ट कर लेना था आपको कैसे लगा कि लगासे आपकी उनसे कोई बात हुई या कोई साइंस आपको नजर आ रहे थे क्योंकि उस वक्त उनके जो बयान आने शुरू हो गए थे मुशरफ साहब के खिलाफ वो बड़े सख्त थे एनआरओ से पता चलता था क्या आप आपको एनआरओ की हिस्ट्री तो पता ही ना किसी को आखिरकार ये एनआरओ की असल स्टोरी क्या है मुशरफ साहब ने क्या प्रपोज किया था शुरू में जब एनआरओ की बात होनी शुरू हुई थी एनआरओ की अगर आपने पूछना ही है तो एनआरओ जो है था ना वो एक पहले एग्रीमेंट हुआ था परवेज मुशरफ साहब का और मोहतरमा का दुबई में वो एग्रीमेंट हुआ था इनका उस लेवल के ऊपर जब गवर्नमेंट लेवल के ऊपर समझ लें या उनके जो कुलग्स थे उनके उनके लेवल के समझ लें उसके बाद उन्होंने कहा कि जी इसको सियासी लुक दी जाए सियासी लुक देने के लिए उन्होंने मुझे बुलवाया उस सिलसिले में फिर हमारी एक कमेटी बनी उस कमेटी में मैं था मुर्शाद थे और अमीन फहीम साहब थे और राजा प्रोश थे अच्छा। ये एक कमेटी बनी हमारी मीटिंग शुरू हुई वहाँ पर हमारा मौक़ ये था कि रिकनसलिएशन जो प्रोग्राम बनाना है बिल की सूरत में असम्बली में आए और उसमें सारी पार्टी शामिल हों सारी पार्टी को शामिल करके इस तरह का एक बिल तैयार किया जाए ताकि मुल्क के अंदर किसी ने भी एब्सोल्यूट मेजार्टी तो किसी के पास आई नहीं एक टाइप की है गवर्नमेंट बने कोई इस तरह का सिस्टम हो अच्छा तो नेशनल गवर्नमेंट की बात उस वक्त बा, से शुरू वक होनी शुरू हुई थी लेकिन वो डेली जो हमारे मिनट्स आते थे वो डेली मिनट्स मिनट्स लिखे जाते थे लिखने के बाद मिनट्स जो थे वो जाते थे न्यूयॉर्क वहाँ से मोहतरमा उसको वेट करती थी मिनट्स वापस आते थे इधर से कौन वेट करता था इधर से इधर से